हेलो गाइज, आज वीडियो में आप रिव्यू करने वाले हैं फेम गोल्ड ब्लीच का। आज वीडियो में आपको बताऊंगा इस ब्लीच को कब और किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, और साथ ही इस ब्लीच को मैं आपको अपने फेस पे भी यूज़ करके दिखाने वाला हूं। वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये मेरे पास आज फेम गोल्ड ब्लीच है, तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। गाइस आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमें इसके साथ में ब्लीच क्रीम मिल जाती है, और आप देख सकते हैं इसके बाद में हमें यहाँ पर इस ब्लीच का एक्टिवेटर मिल जाता है, और आप देख सकते हैं इसके बॉक्स में हमें यहाँ पर एक स्पैचुला भी मिलता है। और अब हम इसके बॉक्स को साइड कर देते हैं और देख लेते हैं कि आपको इस ब्लीच को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। गाइस सबसे पहले आपने इस ब्लीच क्रीम को ले लेनी है, और फिर आपने इस तरीके का एक कांच का बाउल ले लेना है। इसी कांच के बाउल में आपने इस ब्लीच क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। गाइस आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, आपने इसी तरीके से इस स्पैचुला की हेल्प से इस क्रीम को इस तरीके कांच के बाउल में निकाल लेनी है। गाइस आपने भी इसी तरीके से स्पैचुला की हेल्प से इस क्रीम को इस तरीके बाउल में निकाल लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने इस क्रीम को निकाल ली है, और अब मैं इसमें एक्टिवेटर मिक्स करने वाला हूँ। गाइस आप देख पा रहे होंगे इसके साथ में हमें जो एक्टिवेटर मिलता है, आपने इस एक्टिवेटर को पूरा इसमें ऐड नहीं करना है, आपने इस एक्टिवेटर का केवल हाफ ही इसमें ऐड करना है। अगर आप इसमें पूरा एक्टिवेटर ऐड कर देते हो तो आपको इस ब्लीच के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन में जलन हो सकती है और आपकी स्किन हल्की हल्की रेड भी हो सकती है। सो गाइज आपने इसमें केवल हाफ ही इसमें एक्टिवेटर मिक्स करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और फिर आपने इसी तरीके से इस ब्लीच क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है अपनी फिंगर की हेल्प से, जिस तरीके से मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। गाइज आप देख सकते हैं हमारी ब्लीच बिल्कुल कम्प्लीट तैयार हो चुकी है, और अब मैं इस ब्लीच को आपको अपने हैंड पे यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। आपने इस ब्लीच क्रीम को इसी तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। आपने आईज और लिप्स के एरिया को छोड़कर आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से अपने पूरे फेस पे इस ब्लीच क्रीम को अप्लाई करनी है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। गाइज आप देख सकते हैं मुझे इस ब्लीच को लगाए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इस स्पैचुला की हेल्प से इस क्रीम को अपनी स्किन से साफ कर लेता हूँ। गाइज आपने इसे डायरेक्ट वाटर से वॉश नहीं करनी है, इसी तरीके से आपने इस स्पैचुला की हेल्प से इस ब्लीच क्रीम को अपनी स्किन से साफ करनी है, और फिर आपने इसे अच्छे से साफ करने के बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। गाइज आप देख सकते हैं मैंने भी अपने हैंड को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इस ब्लीच को अप्लाई की थी वहाँ से मेरे हेयर काफ़ी गोल्डन नज़र आने लगे हैं, और आप देख सकते हैं मेरा हैंड भी वहाँ से थोड़ा फेयर नज़र आने लगा है जहाँ पे मैंने इस ब्लीच क्रीम को अप्लाई की थी। और अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे जहाँ पे मैंने इस ब्लीच क्रीम को लगाई थी वहाँ से मेरे हेयर काफ़ी ब्राउन नज़र आने लगे हैं। सो गाइज आपने भी इस फेम ब्लीच को इसी तरीके से यूज़ करना है, और अगर आपका इस फेम ब्लीच के बारे में और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।